नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रिकेट टॉक विद पीवाई में। आज हम बात करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच के बारे में। तो आज जब बात करेंगे इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच के, तो पहले आपको रिजल्ट बताना है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हरा दिया। बहुत ही टाइट गेम रहा, पाकिस्तान के पक्ष में रहा। मैं कहूँगा चौथे दिन ख़त्म हुआ है, थर्ड सेशन में पूरे मैं कहूँगा 4 दिन तक पाकिस्तान के पूरा मैं कहूँगा गेम कब्जे में रहा, बट रिजल्ट इंग्लैंड के फेवर में रहा क्योंकि एक रिकॉर्ड साझेदारी हुई जॉस बटलर और क्रिस वोक्स के बीच में। मैं कहूँगा वाह वोक्स वाह बटलर, क्या ही इनिंग खेली है दोनों ने। पहली इनिंग की जब बात करते हैं पाकिस्तान की, टॉस जीत कर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले पाकिस्तान बल्लेबाजी करने उतरी तो उन्होंने 326 रन बनाए 10 विकेट के नुकसान पे। शान मसूर ने बहुत ही बेहतर पारी खेली, 150 रन बनाए उन्होंने। उसके बाद जब इंग्लैंड की बारी आई तो इंग्लैंड 219 रन पे ही ऑल आउट हो गई। इंग्लैंड की ओर से कोई ज़्यादा खास नहीं बल्लेबाजी कर सका, सिर्फ ओली पॉप ही 62 रन बना सके। फिर जब अगली पारी की बैटिंग आई पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान बहुत ही ख़राब बल्लेबाजी का मैं कहूँगा प्रदर्शन रहा उनका। 169 रन पे ही पाकिस्तान ऑल आउट हो गई, जिसमें किसी भी बल्लेबाज का कोई खास योगदान नहीं था। सिर्फ आप ऐसे समझ सकते हैं कि उनके जो मेन बॉलर हैं यासिर शाह, उनका हाईएस्ट स्कोर था 33 रन, तो उनसे नीचे सबका स्कोर था 27 रन, शफीक ने बनाए थे। तो फिर आप सोच सकते हैं, और किसी बल्लेबाज का अच्छा प्रदर्शन नहीं था। अजहर अली उनके कैप्टन, उनके भी शायद 18 या 19 रन थे। तो 169 रन सेकेंड पारी में पाकिस्तान ने बनाए और फर्स्ट पारी में उनको लीड थी 107 रन की, तो 276 रन उनके टोटल हो गए। 270 रन इंग्लैंड को बनाने थे। इंग्लैंड जब चौथी पारी में बल्लेबाजी करने आई तो उनकी शुरुआत बहुत ही मैं कहूँगा ख़राब रही, क्योंकि स्टार्टिंग में उनके जल्दी विकेट गिर गए। फिर रूट और डोमिनिक सिबली अच्छी पार्टनरशिप हुई एक, फिर डोमिनिक सिबली आउट हुए। फिर बेन स्टोक्स लगातार दूसरी पारी में फ्लॉप हुए एक बार फिर से, और फिर नीचे उतरे मैं कहूँगा रूट आउट हुए। उसके बाद फिर बटलर और क्रिस वोक्स के बीच में एक बहुत ही बढ़िया साझेदारी हुई, मैच जिताऊ साझेदारी हुई मैं कहूँगा, और उन्होंने इंग्लैंड को वहाँ से मैच पूरी तरीके से कब्जे में कर दिया। और जब 30 रन चाहिए थे इंग्लैंड को जीतने के लिए, तब जॉस बटलर आउट हुए 75 रन के अपने निजी स्कोर पर, लेकिन तब तक उन्होंने मैच मैं कहूँगा इंग्लैंड के साइड पर कर दिया था। फिर उसके बाद क्रिस वोक्स ने मैच जिताया इंग्लैंड को, और मैं कहूँगा बहुत ही बढ़िया इनिंग खेली, 84 रन नॉट आउट बनाए उन्होंने, और प्लेयर ऑफ द मैच भी क्रिस वोक्स ही रहे, और बहुत ही शानदार बैटिंग की उन्होंने, और प्लेयर ऑफ द मैच में उनका खास योगदान भी रहा क्योंकि उन्होंने 4 विकेट भी लिए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।